सो हेलो गाइज, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप करता हूँ कि आप लोग सारे अच्छे ही होंगे और कोविड के टाइम पे अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अपने फैमिली वालों के साथ होंगे। तो अभी जैसा कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं, इंडिया में बाकी बहुत सारे स्टेट्स में अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो आप लोगों को मैं आज इस वाले वीडियो में बताऊंगा कि लॉकडाउन के बाद आप लोग जब नॉर्मली अपने बाइक को चलाना शुरू करेंगे तो आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस पहले लेने चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोगों का बाइक करीबन एक महीना डेढ़ महीना तक तो घर पे रहेगा ही। माना कि आप लोग ग्रोसरीज लेने के लिए छोटा मोटा चलाया होगा कि एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर ग्रोसरीज या फिर कुछ लेने के लिए चले गए होंगे, लेकिन उतने में भी जो बाइक का वार्म अप होना चाहिए आपके रेगुलर ड्राइविंग में, वो बाइक उतना वार्म अप नहीं होता। और अगर आप लोग घर पे रह के कोल्ड स्टार्ट भी करते हैं बाइक, तो भी बाइक उतना ज्यादा गर्म नहीं होता जैसे रेगुलर ड्राइविंग में होता है। तो आप लोगों को बाइक को नॉर्मल चलाने से पहले कुछ प्रिकॉशंस तो जरूर लेना चाहिए। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ पे अभी लॉकडाउन लगा है तो मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए मैं ज्यादा बाहर का कंटेंट आप लोगों के लिए पोस्ट नहीं कर सकता। तो आप लोग जरा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घर पे रह के जितने भी डोमिना 250 रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आते हैं, मैं उनका आंसर अपने वीडियो पोस्ट करके देना चाहता हूँ। तो गाइज, आप लोग जरूर से मुझे सपोर्ट कीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे जरूर से दबा के ग्रे कर दीजिए, और उसके साइड में ना घंटे का आइकन आएगा, उसे भी दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियोस डालूंगा आप लोगों को उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और गाइज, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को, और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने इस वाले वीडियो से कुछ भी सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। और हाँ गाइज, मैं विलेज एरिया में रहता हूँ तो इधर उधर का नॉइज आएगा, जैसे कि बकरी या फिर कोई मुर्गी का साउंड आ रहा होगा, तो जरूर से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जानवर है वो लोग। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइज, आफ्टर लॉकडाउन आप लोगों को सबसे पहले चेक करना चाहिए आपके इंजन ऑयल का लेवल और उसका क्वालिटी। गाइज, आप लोगों को इंजन ऑयल को चेक करने के लिए किसी भी मैकेनिक के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग घर पे बैठ के ही उसको चेक कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे डोमिना 250 में ऑयल का विंडो दिया रहता है ग्लास का, जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का इंजन ऑयल का लेवल कितना होगा। तो वैसे अगर आप लोगों के बाइक के इंजन में रहता है विंडो तो आप लोग जरूर से उसमें से चेक कर सकते हैं। अगर नहीं रहता है बाय चांस, तो इंजन ऑयल का स्टिक आता है जिसको आप प्लायर से खोल के उसको घुमा के निकाल के चेक कर सकते हैं कि उसका लेवल ठीक है कि नहीं, और जरा सा अपने हाथों पे लगा के ऐसे करके रब करके अगर ऐसे छोड़ते हैं ना, अगर उसके बीच में अगर तार बनता है तो गाइस आप लोगों को जानना चाहिए कि वो वाला इंजन ऑयल और ज्यादा नहीं चल सकता, आप लोगों को उसको चेंज करना पड़ेगा। सो गाइस, नंबर सेकंड पे आता है बाइक में आपके जितने भी फ्लूइड्स है उनको चेक करना पड़ेगा बाइक के अंदर, जैसे कि गाइस आप लोगों का ब्रेक फ्लूइड हो गया, इंजन ऑयल का लेवल मैंने जैसे कि बोला पहले पॉइंट में, उसको तो आप लोगों को चेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को मैकेनिक के पास जाके जो फोर्क ऑयल है उसका भी एक बार चेकअप करवाना पड़ेगा कि वो वाला सही है, क्योंकि गाइस एक बाइक अगर बहुत दिनों तक एक जगह पे खड़ा रहेगा तो उसके फ्लूइड्स में जरूर से विस्कोसिटी लेवल बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों को। सो जरूर से जरूर एक बार चेक करवा लीजिएगा। तो नंबर थ्री पे बोलते हैं आप लोगों को पेट्रोल एक बार जरूर से जरूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने बाइक में जितने भी पेट्रोल्स डालते हैं उनका कुछ शेल्फ लाइफ होता है, आप लोगों को उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैंक का जो फ्यूल फिलर कैप है उसको खोलिए और सूंघिए, अगर उसका स्मेल पेट्रोल जैसा आता है तो आपका पेट्रोल तो चलो सही है, और अगर वो वाला स्मेल अलग तरीके आता है मतलब कि तारपीन के जैसा, तो आप लोगों को जरूर से जरूर वो वाला पेट्रोल जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिए या फिर हो सके चेंज करवा लीजिए। मालूम है अभी पेट्रोल का कीमत इधर आ रहा है, तो आप लोग जरूर
जल्दी से जल्दी चला के वो वाला पेट्रोल खत्म करवा। और सबसे सेफेस्ट साइड रहने के लिए आप लोग अभी बाइक में पेट्रोल भी कम भरवाइए, ज्यादा फुल टैंक करवाने की जरूरत नहीं। सो नंबर फोर्थ पे आता है जो टायर्स है। वैसे गाइस टायर्स में बोलूं तो जो सरफेस रोड के साथ घसता है उसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आता, लेकिन अगर एक बाइक एक जगह पे स्टील रहता है तो उसका टायर में जो साइड वॉल्स होते हैं वो कुछ कुछ टाइम क्रैक्स हो जाते हैं, और अगर टायर क्रैक हो रहा है तो वहां से एयर निकल सकता है, और कभी कभी गाइस वहां से हवा निकलता है, और कभी कभी अगर आप लोग हायर स्पीड में रहते हैं तो वहां से टायर फट भी सकता है। तो आप लोगों के सेफ्टी के लिए अगर आप लोगों को टायर्स में क्रैक्स नजर आ रहे हैं तो टायर्स को जरूर चेंज करवा लीजिएगा। और गाइस अगर आप लोग इस वाले टायर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते तो हो सके तो अपने बाइक में टायर्स में जो एयर है उसको थोड़ा सा ज्यादा रखिए, क्योंकि अगर 3-4 PSI तक अगर आप लोग ज्यादा रखते हैं तो वो घट के आपके मेंटेनेंस PSI पे आ जाएगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं जिससे आप लोगों का टायर का लाइफ ज्यादा बढ़ सकता है। सो गाइस नेक्स्ट नंबर पे आप लोग चेक करवाइए अपना जो एयर फिल्टर है वो, क्योंकि गाइस लॉकडाउन में कभी कभी रहते रहते आप लोगों के जो एयर फिल्टर है उसमें कीड़े मकोड़े आ जा सकते हैं, इसीलिए आप जरूर से जरूर लॉकडाउन के बाद अपना एयर फिल्टर जरूर से जरूर चेक करवाइए। सो गाइस नेक्स्ट नंबर पे बोलते हैं तो आप लोग जब लॉकडाउन चल रहा है तब भी और लॉकडाउन के बाद भी अपने बाइक्स को या फिर कार्स को जितने भी व्हीकल्स है सबको साफ रखिए, और बाइक्स को डेली बेसिस पे वॉश कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लॉकडाउन में बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो बाइक के अंदर अपना घर बना लेते हैं, आप लोग जरूर से समझ ही सकते हैं, और कभी कभी वो लोग तो वायर भी काट डालते हैं इसीलिए। सो गाइस आप लोगों के बाइक के सेफ्टी के लिए जरूर से जरूर अपना बाइक वॉश करवाते रहिए, और सिर्फ बाइक नहीं जितने भी व्हीकल्स है आप लोगों के घर पे अगर कोई फोर व्हीलर होता है वो भी वॉश करवाइए, इससे कि जो इंसेक्ट्स है वो सारे निकल जाते हैं। सो गाइस यही कुछ चीजें थे जिनको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर इस सब पॉइंट्स को अगर आपने माइंड में रखते हैं और इनको फॉलो करते हैं तो जरूर से जरूर आपका बाइक फिर से पुराने वाले कंडीशन में आ जाएगा। आप लोग जरूर से जरूर इन जो पॉइंट्स को मैंने बोला है उनको चेक करवा लीजिएगा। और एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइस, कि जब भी आप कोल्ड स्टार्ट करवा रहे हैं तो बाइक को स्टार्ट करते ही ना रेव मत कीजिएगा, क्योंकि इससे इंजन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इससे आपका इंजन का लाइफ भी घट सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आइडियल कंडीशन में आपका बाइक नहीं चल रहा है तो आप लोगों के बाइक में चोक बटन अगर होगा, क्योंकि अभी नए बहुत बाइक में नहीं आते चोक बटन, क्योंकि गाइस अभी के टाइम जितने भी ECU वाले बाइक्स होते हैं उनमें कोई चोक नहीं रहता है, वैसे उनमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आता है। तो आप लोगों के बाइक में अगर चोक बटन रहा तो उसको खींच के पहले बाइक को वार्म अप होने दीजिए 5-7 मिनट, उसके बाद रेव कीजिएगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे आप लोगों के इंजन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। और हो सके तो डेली के बेसिस पे अपना बाइक को कोल्ड स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपका बैटरी का लाइफ भी अच्छा रहेगा, और हो सकता है तो अपनी बैटरी का लाइफ भी लॉकडाउन के बाद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत समय क्या होता है जो बाइक का चार्जर होता है वो खराब हो जाता है, आप लोग समझ ही सकते हैं, तो बैटरी को एक बार आफ्टर मार्केट चेक करवा लीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसे दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियोस डालूंगा आप लोगों को उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वाले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप लोग अगर इस वाले वीडियो से कुछ भी सीखते हैं और अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को जरा भी हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलेगा। और गाइस प्लीज से प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गाइस मेरे सब्सक्राइबर्स आ ही नहीं रहे, प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।